संभल में दो दिन पूर्व हुए विवाद में साधु को लोहे की राख से पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। वहीं मंदिर परिसर में खून से लथपथ मिला पुजारी का शव। मौके पर पहुंची पुलिस। वहीं असमौनी थाना क्षेत्र के गांव गुमसानी का मामला है। आपको बता दें कि जनपद संभल के थाना असमौनी क्षेत्र के गुमसानी गाँव में पातालेश्वर महादेव मंदिर पर एक विकलांग संत भारत गिरी की लोहे की रॉड से पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। सुबह जब लोगों को पता चला तो गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा भी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि आरोपी ने साधु की हत्या करके लोहे की रॉड को तालाब में फेंक दिया था। वो रॉड भी पुलिस ने बरामद कर ली है। जल्दी ही चार्जशीट लगाकर अगली कार्यवाही की जाएगी। शुक्रवार की सुबह जब गांव के लोग पूजा अर्चना के लिए गए तो वहां साधु खून से लथपथ मृतक पड़ा मिला। 5 साल पहले साधु भरत गिरी गांव गुमसानी शिव मंदिर पर रहने लगे थे, तो वहीं पातालेश्वर मंदिर की देखरेख, साफ सफाई और पूजा अर्चना भी करते थे। मंदिर पर रहने से क्षेत्रवासी काफी खुश रहते थे। वहां पर सैकड़ों की तादाद में भक्त पूजा अर्चना करने के लिए साधु का सभी संतों भक्तगणों से अच्छा व्यवहार था। लेकिन गुरुवार की रात को किसी समय अज्ञात लोगों ने हमला कर साधु की हत्या कर दी। मरने से पहले साधु ने अपने बचाव के लिए काफी मशक्कत की होगी। ग्रामीणों ने जाकर देखा तो मंदिर का दरवाजा बंद था। ग्रामीणों ने टूटे हुए दरवाजे से नीचे जाकर देखा, सामने साधु का खून से लथपथ मंदिर के फर्श पर शव पड़ा मिला। ये देखकर घबराकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। साधु की हत्या की खबर क्षेत्र में फैली तो आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। वहीं पुलिस ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने अपराधी को सख्त से सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। थाना असमौली के अंतर्गत ग्राम गुमसानी में गांव के बाहर ये एक प्राचीन मंदिर स्थित है। आज ये सुबह ये जानकारी मिली कि यहाँ पर रहने वाले महंत श्री भरत गिरी जी का किसी व्यक्ति के द्वारा उनके सिर पर वार करके हत्या कर दी गई है। पुलिस के द्वारा मौके पर आकर सारे साक्ष्य संकलन किए गए। इसमें डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक की टीम के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया तथा 2 घंटे के अंदर गांव के लोगों से पूछताछ के द्वारा और साक्ष्य संकलन के आधार पर एक व्यक्ति जिसका नाम मोनू वाल्मीकि है, इसको गिरफ्तार किया गया है। मोनू वाल्मीकि के द्वारा यह बताया गया कि जो महन जी थे, इनसे 2 दिन पहले इसका किसी बात पर झगड़ा हुआ था, गाली गलौज हुई थी और महन जी के कहना है कि वो उसको जलील करते थे, तो इसी कारण से इसने इनके सिर पर लोहे की रॉड मारकर इनकी हत्या की है। पास के तालाब से इस व्यक्ति की निशानदेही पर लोहे की एक रॉड भी बरामद की गई है। इन सभी साक्ष्यों का संकलन करते हुए इस व्यक्ति को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है गिरफ्तार करके, और इसमें पुलिस की तरफ से 7 दिन के अंदर एक चार्जशीट लगाकर और इसको जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी कार्रवाई और इसको सजा दिलाई जाएगी। धन्यवाद। संभल से सीताराम कुशवाहा की रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया न्यूज। देखते रहिए टीवी वन इंडिया न्यूज। नमस्कार। और टीवी वन इंडिया न्यूज की खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।